दोस्तों, यदि प्रथम भाव में जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह ना हो, यानी कि ऐसे ग्रह बैठे हों जो सप्तम भाव को देख करके अपनी दृष्टि से उस भाव को नुकसान करते हों, या फिर सातवें भाव के दुश्मन हों और प्रथम भाव में लगन में बैठे हों, तो ऐसे जातक और जातिकाओं का अक्सर हस्बैंड वाइफ का आपसी लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है। कोई ना कोई बात निकल करके आती है जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। या फिर सातवें भाव में ऐसे ग्रह हों जिससे कि प्रथम भाव को नुकसान करते हों, यानी प्रथम भाव के शत्रु हों, क्योंकि प्रथम भाव हमारे दिमाग का भी होता है, हमारे सोच विचार का होता है। यहाँ से नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के लिए उत्पन्न होते हैं और वही एक विशाल झगड़े का रूप ले लेते हैं। तो पहला और सातवां भाव बहुत आवश्यक है। दोनों पति पत्नी जो कपल हैं उनमें प्रेम बनाने के लिए ये दोनों घर, ये दोनों भाव मजबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। अब प्रथम भाव के जो कारक हैं, जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, वह सूर्यदेव हैं और सप्तम भाव के शुक्र हैं। शुक्र सूर्य यदि पीड़ित हों कुंडली के अंदर या किसी प्रकार से भी सातवें या पहले भाव को नुकसान कर रहे हों, तो अक्सर ही यह देखा गया है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और कई बार तो इतनी बात बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो यदि ऐसा किसी के भी परिवार में हो रहा है ग्रहों के कारण और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका क्या रिजल्ट होगा, आप सिर्फ यह बात जानते हैं कि यदि आपके परिवार में सेटिंग हो जाए, आपके अपने पति से या पत्नी से मिठास हो जाए, मधुरता आ जाए, संबंध सुधर जाए, आप केवल इतना ही चाहते हैं, तो आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं उपाय बताने जाऊंगा उसको आपने ध्यान से, गौर से, निष्ठा से, भाव से करना है और आप इसका रिजल्ट स्वयं देखेंगे 24 घंटे के अंदर कि आप पति पत्नी में कितना मीठापन आ जाता है, कितने मधुर संबंध आपके बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 अकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में, ताकि कोई आधी जानकारी आपको मिले और बाद में आप मेरे को कहो हमारा काम सही नहीं हुआ या मेरा काम नहीं बना। तो यह मान करके चलें कि जो यह उपाय है यह मात्र एक बार करने से, यदि आपने अच्छे तरीके से कर दिया तो एक बार में करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको केवल कपल ही करें, पति पत्नी ही करें और कोई ना करें, यानी उनके परिवार वाले भी कर सकते हैं। जैसे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अनमैरिड हैं, वह ना करें, तो उनके लिए यह उपाय नहीं है, मैरिड के लिए उपाय है ये। तो उनके परिवार के, जैसे मान लीजिए लड़की है, फीमेल है, उसके परिवार के भी कर सकते हैं, माता पिता दोनों को मिलाने के लिए भी कर सकते हैं और लड़के के परिवार वाले भी लड़की से मिलाने के लिए, दोनों में संबंध अच्छा करने के लिए इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं। खून के रिश्ते में कोई भी कर सकता है, दोनों के लिए। कई बार ये होता है कि आपस में दोनों इतने लड़ते झगड़ते हैं कि वो उपाय करने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि जब तक जख्म जख्म में मलहम नहीं लगेगा तब तक वह जख्म सही नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मंगलवार का दिन देखना है जो अभी 16 तारीख आ रही है। इसके बाद भी जो कोई वीडियो देखेंगे, मंगलवार हो सकता है कल का निकल जाए, उसके बाद भी कई लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए पूर्णिमा का दिन, जो भी पूर्णिमा का दिन होगा उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। या गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, संक्रांत का दिन, जिस दिन संक्रांति होती है, सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। या किसी भी फेस्टिवल में, होली भी निकल चुकी है, आगे कोई भी फेस्टिवल आएगा, आप फेस्टिवल में भी कर सकते हो, ग्रहण काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंगलवार इसलिए मैंने कहा है क्योंकि उस दिन दुर्गा अष्टमी है और बहुत बड़ा दिन है। उस दिन इस कार्य को जो भी करता है, यानी कल का दिन 16 तारीख, आज 15 तारीख होगी, मैं 15 को ये वीडियो बना रहा हूँ, कल 16 तारीख है, आप प्रातःकाल, दोपहर में, रात्रि के समय जब भी इस उपाय को करोगे तब करें, लेकिन ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा संध्या, सूर्यास्त के बाद। आपको करना क्या है, आपको दोनों की, चाहे आप उनके पेरेंट्स हो, आप कर रहे हो, या लड़का या लड़की स्वयं है, आपको
दोनों की फ़ोटो चाहिए। दोनों की फ़ोटो मीन्स पति की भी पत्नी की भी, दोनों की। पासपोर्ट साइज छोटी फ़ोटो जो 3 इंच के बराबर लगभग हो, 2 इंच की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिंगर के बराबर होनी चाहिए। अब एक दोनों की फ़ोटो को आपने इस प्रकार से मिलाना है, यानी ये फेस लड़के का है और ये लड़की का फेस है। इस प्रकार से मिला करके ऊपर से एक रेड कलर का कलावा या धागा आपने 7 चक्कर लगा करके उसको बांध देना है। कोई भी इस उपाय को कर रहा है तो उसको बांधने के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान इस प्रकार से अपने हाथों में फोटो रख करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। सबसे पहले भगवान गणेश महाराज जी को नमस्कार करना है, फिर सरस्वती माता को नमस्कार करें, अपने इष्ट देवता को नमस्कार करें। अब भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हुए एक मंत्र आपको बोलना है, 5 या 10 मिनट तक इसको लगातार बोलें और उसके बाद की आगे क्रिया मैं बताऊंगा। मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को 108 बार या 5 या 10 मिनट तक बोलते रहें, उसको हाथ में पकड़ करके। मंत्र अनेकों हैं मेरे पास, लेकिन मैं वह मंत्र बता रहा हूँ जो प्रभावशाली भी है, जो आपके कई कार्य को बना देगा और तुरंत काम करेगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, मंत्र बोलने के बाद, जो फोटो आपने धागे से बंद करके बांध दी है उसको मंत्र बोल दिया है। मंत्र बोलने के बाद भगवान कृष्ण जी का नाम लेकर के, भगवान का नाम स्मरण कर करके प्रार्थना करें कि इन दोनों के बीच में, यदि खुद कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में, हे प्रभु सदैव मधुर संबंध बना रहे, ऐसी कृपा करें। तो उसको आपने एक शहद की शीशी, मधु की शीशी लेकर के आनी है, उसके बीच में दोनों की फ़ोटो को डिप कर देना है। अब आगे का प्रोसेस, उसी में 7 लौंग फूल वाली, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को 7 बार बोल करके उसके अंदर डाल दें। 7 लौंग हरी वाली, उसको भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः 7 बार बोल करके उसको भी डाल दें। अब ढक्कन लगा दें, उस मधु के जो शीशी है उसको ढक्कन लगा करके अपने बेडरूम में कहीं भी, या पूजा स्थान में राधा कृष्ण जी के फ़ोटो के पीछे, यदि आपके राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, या लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो है उनके पीछे, या भगवान शिव और पार्वती की, जहाँ पर दोनों मतलब जोड़े हैं, राम सीता राम जी हैं या राधे कृष्ण हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या शिव पार्वती हैं, उनकी कोई प्रतिमा कोई फ़ोटो होगी तो उनके पीछे आपको रख देना है। और केवल 11 दिन का इंतजार करें, 11 दिन में आपको भरपूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको दिखेगा कि रिश्ता मधुर हो रहा है, संबंध मधुर हो रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है और झगड़ा खत्म हो रहा है। इसको करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय माता दी, नमो नारायण, जय जय श्री राधे। और चैनल को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।